मैंने अपने अलाइनस लगा रखे हैं, तो मे भी मेरे वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो रहे हो, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग गुड एंड कीपिंग योरसेल्फ हेल्थी। सो आज का वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। जनरली मैं इन सब चीज़ों पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। एज़ यू नो, मेरा चैनल जो है वो मोस्टली होटल मैनेजमेंट एज अ करियर प्रोस्पेक्टिव और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एज अ करियर प्रोस्पेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, और सम टाइम आई मेक माई पर्सनल ब्लॉग इफ आई विजिट समवेयर, आई जनरली शूट इट एंड देन आई जस्ट अपलोड इट। आज का जो वीडियो है वो है तुलसी के ऊपर। जितने भी लोग हैं जो मेरे को जानते हैं और हु हैज़ सीन मी, हु मेट मी इन पर्सन, दे हैव सीन माई कंडीशन ऑफ टीथ सिंस फ्रॉम चाइल्डहुड। आई एम स्ट्रगलिंग विद दैट, बट आई नेवर गॉट अ करेज टू गो टू एनी डेंटल क्लिनिक एंड यू नो कंसल्ट विद अ डॉक्टर बिकॉज आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ डूइंग इट। सम हाउ मैंने ये डिसीज़न लिया अपनी लाइफ का, और इसमें बहुत जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो मेरी लोकल एक डेंटल क्लिनिक है यहाँ पे, डॉक्टर का नाम उमा है, सिट्स हियर इन बिलगिचिया इन माई लोकेलिटी। शी इज़ एन अमेजिंग डॉक्टर, आई रियली अप्रिशिएट हर वर्क। आई मेट हर ट्वाइस, मैंने स्केलिंग करवाई है उनसे अपनी और क्लिनिंग भी करवाई है। टीथ की जो कंडीशन है वो ठीक हो सकती है, सी ऑलवेज इनकरेज मी टू डू सो। ऑर्थोडेंटिस्ट से मेरे को कंसल्ट भी करवाया था, बट इट टुक ऑलमोस्ट 6 months टू टेक द डिसीजन एंड नाउ टुडे आई एम हियर। सो इट्स बीन 6 days आई एम यूजिंग तुलसी इनविजिबल अलाइनर्स। यू मस्ट हैव सीन इन द वीडियोज़ और यू मस्ट हैव सीन इन द यू नो एड्स, बहुत सारी सेलिब्रिटी कर रहे हैं ये अभी तुलसी अलाइनर को प्रमोट कर रहे हैं काफ़ी, और यू मस्ट हैव सीन इन सोशल नेटवर्क इंस्टाग्राम फेसबुक उनके एड्स आते रहते हैं। तो वन फाइन डे आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड आई जस्ट सीन तुलसी इनविजिबल अलाइनर एंड वॉट मेड मी टू यू नो जस्ट पुट अ रिक्वेस्ट। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आता है तो मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया एंड वेरी नेक्स्ट डे आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम तुलसी एंड दे हैव फिक्स अप माई अपॉइंटमेंट एंड दे बीन टू माई हाउस टू टेक माई 3D स्कैनिंग। सो आई वॉज लिटिल नर्वस, बट डॉक्टर हु केम टू विजिट मी शी वॉज वेरी फ्रेंडली एंड शी मेड मी वेरी कम्फर्टेबल एंड सी टोल्ड मी द इंटायर प्रोसेस हाउ तुलसी वर्क्स। इनिशियली शी हैज़ सीन माई कंडीशन ऑफ टीथ एंड शी टोल्ड मी के वेदर इट इज़ क्यूरेबल और नॉट, द एक्सपेक्टेशन आई हैव फ्रॉम तुलसी वेदर तुलसी कैन डिलीवर डैट और नॉट। तुलसी हैज़ अ फॉर्मेट ऑफ एवरी क्लाइंट। सपोज करो अगर तुलसी आपका 3 day स्कैनिंग लेता है, उसके बाद वो लेकर चेक करता है कि ये आपका इंटरमीडिएट वे पे हील हो सकता है, आपकी जो टेढ़े मेढ़े दांत है वो ठीक हो सकते हैं, या फिर एक्सट्रीम ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा। और जो थर्ड फेज़ है उसमें वो ये भी बोलते हैं कि आपकी दांतों की कंडीशन काफ़ी ख़राब है तो तुलसी वो केस लेता भी नहीं है। मतलब तुलसी विल नॉट गिव यू अ फेक यू नो होप एंड अ फेक कमिटमेंट डैट कि वो ठीक कर पाएगा। तो ये फॉर्मेट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपको तुलसी जो प्रॉमिस करता है वो काफ़ी ऑनेस्ट वे पे करता है कि आपका ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली इसके 2 ट्रीटमेंट प्लान है, एक जो होता है वो इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, अगर सपोज़ करो आपका माइनर कुछ टेढ़े मेढ़े दांत है तो वो इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, और एक होता है जो काफ़ी एक्सट्रीम वे पे ट्रीटमेंट चलती है, काफ़ी लंबे ड्यूरेशन पे ट्रीटमेंट चलती है। तो मेरा जो केस था वो काफ़ी लंबे ड्यूरेशन पे ट्रीटमेंट वाला केस था। तो आई हैव गॉट 2 कैनाइन टीथ और 1 लोअर कैनाइन टीथ एज वेल, सो ऑल टुगेदर आई हैव गॉट 3 कैनाइन टीथ, और मेरे आगे के जो फ्रंट जो है वो भी काफ़ी टेढ़े हैं। तो जो गैप है वो आस्ते आस्ते एज के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। नाउ आई एम टर्निंग टू बी 30, ड्यूरेशन था अब मैं देख रहा हूँ वो और ख़राब होती जा रही है। रीज़न बीइंग मेरे ट्रीटमेंट का ये है कि मेरे दांत काफ़ी टेढ़े मेढ़े हैं, तो जो ब्रशिंग होती है जो 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 फूड होते हैं ना तो उसमें अंदर आ जाते हैं, और जो गम्स और कैविटीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप अच्छे से स्केलिंग और क्लीनिंग नहीं कराते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस देन दिस कैन कॉज अ डिसीज़ एज वेल। तो इन सब को नज़र में रखते हुए मैंने ये डिसीज़न लिया है। इट्स बीन अ वीक नाउ विथ तुलसी, सो आई एम गोना टेक यू टू द इंटायर प्रोसेस हाउ डिलीवर द तुलसी किट टू माई हाउस, और किस तरह मेरा ऑर्थोडोंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ
किस तरह से मेरे टीथ के ऊपर बटन फिक्सअप करे गए, इनविजिबल बटन होते हैं वो, सेम आपके टीथ के कलर के होते हैं वो, वाइट जो इनविजिबल होते हैं और जो आपको दांतों को फिक्सअप करने में मदद करते हैं, और समटाइम दे ऑल्सो क्रिएट अ गैप बिटवीन योर टीथ सो योर टीथ कैन फिक्सअप वेल. एंटायर प्रोसेस आई एम गोना टेल यू. एंड reason being of making this video is not that I'm promoting Tutsi and I'm getting a benefit from Tutsi. Let me tell you something, this is not a barter promotion or this is not a paid promotion from Tutsi. I just want to be truthful, I just want to be honest with my viewers and honest with my subscriber, whosoever watching me, friends, family or jo bhi mere extended family members hai, jo bhi mujhe dekh rahe hain, taki ye journey ko dikha sakun aur kitni expense hui hai, किस तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो सब मैं आप लोग को दिखा सकूं. सो अभी 6 दिन हो गए हैं, मैंने फर्स्ट डे पे ये वीडियो नहीं बनाया था, मेरे जहन में ऐसी बात आई नहीं थी, बट नाउ आई एम थिंकिंग टू मेक वीडियो आफ्टर ईच क्वार्टर, बिकॉज ये जो ट्रीटमेंट है मेरा, ये 15 मंथ्स का ट्रीटमेंट है. आई एम गोना शो यू द इनवॉइस एक्सपेंसेस, वट एवर द कॉस्ट इन्वॉल्व एंड कमर्शियल इन्वॉल्व इन दिस, एंड वट आर द फेजेस आई हैव बीन थ्रू एज ऑफ नाउ. सो आई एम गोना कवर all of this in this video. After the 3D scanning from the Tutsi which has been done at my place, same day you got to know ke aapka case kaisa hai. The doctor will tell you whosoever has come to take your scanning, jo treatment hai wo kis tarah se hone wali hai, but they will not tell you ki ye kitne duration ka hoga, because after watching the 3D then only they can say. Ye total Tutsi ka jo expense hua hai mera 15 month ka, wo
53,000 है और शो यू द इनवॉइस एज वेल. ऐसा नहीं है कि मैं कोई पेड वीडियो बना रहा हूँ डेट आई विल बी हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू. सो आई एम गोना शो एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव गॉट इन माई टूथसी किट. एंड वन मोर थिंग, आफ्टर कंसल्टिंग विद अ डॉक्टर एंड डॉक्टर हैड टेकन माई 3D स्कैनिंग एट माई होम, विद इन 3 or 4 डेज आई हैव गॉट माई 3D स्कैनिंग ऑन माई टूथसी ऐप. सो दे विल आस्क यू टू इंस्टॉल द ऐप. द ऐप विल हैव ऑल द थिक एंड थिन डिटेल्स. सो वट एवर द वीडियो आई हैव गॉट फ्रॉम देयर एंड, सो द कंडीशन ऑफ माई टीथ एंड वॉट रिजल्ट आई विल गेट आफ्टर द ट्रीटमेंट. सो आफ्टर 15 months मेरे टीथ का अलाइनमेंट कैसा होगा, मेरे टीथ का स्केल कैसा होगा, मेरी टीथ कैसी होगी, ये सारा 3D स्कैनिंग में दिखाया जाएगा. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 3D स्कैनिंग मेरे को टूथसी ऐप से मिली, जो कि राइट आफ्टर माई 3D स्कैनिंग विच हैज़ बीन टेकन प्लेस एट माई प्लेस. तो मेरे कंडीशन ऑफ टीथ को दिखाया गया यहाँ पे, और क्या इम्प्रूवमेंट होगा 15th month में वो दिखाया गया है. सो दिस इज़ द अपर साइड एंड सो यू कैन सी ये फाइनल रिज़ल्ट है, और ये अभी की रिज़ल्ट है मेरे टीथ की. ये किस तरह से अलाइनमेंट वर्क करेगा दिस विल शो यू. ये मेरी साइड की लाइन है, मेरी टीथ कुछ इस तरह से दिखती है साइड से, और ये फ्रंट लाइन है. तो ये अभी ये प्रेजेंट कंडीशन है मेरे टीथ का. नाउ यू कैन सी हाउ थिंग्स आर मूविंग. ये साइड की कंडीशन है अभी मेरी टीथ की, और इसका अलाइनमेंट किस तरह से होगा, ये स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ये देखिए. ये मेरा अभी का कंडीशन है, और ये मेरे को फाइनल रिजल्ट मिलेगा टूथसी के द्वारा. ये मेरी अभी फ़िलहाल की कंडीशन है लोअर टीथ की, और ये साइड से दिया गया है, ये साइड्स की पोजीशन है मेरी. तो आप देख सकते हो किस तरह से अलाइनमेंट काम करती है. ये सारा दिखाया जाएगा आपको. और एंड वंस यू अप्रूव द 3D स्कैनिंग, दे विल सेंड योर टूथसी अलाइनर किट फॉर मैन्युफैक्चरिंग. सो वंस यू अप्रूव इट, देन ओनली दे विल सेंड टू द प्रोडक्शन टीम टू प्रोड्यूस योर अलाइनर और योर अलाइनर किट. अंटिल अनलेस यू वोंट गेट अग्री ऑन दैट, दे विल नॉट सेंड इट टू द मैन्युफैक्चरिंग टीम टू क्रिएट योर टूथसी अलाइनर किट. बिटवीन ऑफ दिस फेज यू विल बी असाइंड विथ अ टूथसी रिलेशनशिप मैनेजर हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर क्वेरीज एंड हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर Q&A सेशन. लाइक इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन यू कैन रीच आउट टू दैट रिलेशनशिप मैनेजर हु हैज़ बीन असाइंड बाई टूथसी फॉर यू. शी और ही विल बी इन टच विथ यू थ्रू आउट दिस period of time. If you will have any doubt, you can reach out to them. Just ask question whatever you feel like in regards to your Tutsi aligner. जैसे manufacturing के लिए जाएगा तो वो आपके Tutsi app में show करेगा कि आपका Tutsi kit कब तक deliver होगा. जैसे deliver होता है आपके घर पर, उसके बाद आपको cleaning करवानी पड़ती है दांतों की. If extraction of your teeth is required, then they will go for extraction, and this will all happen once you give the permission for the same. अगर आपकी एक्सट्रैक्शन नहीं होती है तो वो लोग दांतों के बीच में हल्का सा स्पेस क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से आपके दांत सही से अलाइन हो पाए. उसके अलावा अगर आपके दांत ऊपर नीचे हैं, सो दे गोना पुट बटन ऑन दैट. सो व्हाट दे विल डू, दे विल मेक सेम कलर ऑफ योर टीथ, एक बटन क्रिएट करते हैं एंड दे गोना फिक्स इट अप. तो मेरे दांतों में भी वो बटन क्रिएट कर गए हुए, क्योंकि मेरे दांत काफ़ी ऊपर नीचे हैं. मैंने अपने अलाइनर्स लगा रखे हैं, तो मे बी मेरे वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो रहे हों, तो प्लीज़ बेयर विथ मी. अपॉइंटमेंट गॉट फिक्स. सो मैंने जो अपना क्लीनिंग कराया था वो अपने लोकल डेंटिस्ट से करवाई थी. ये चार्जेस जो होता है वो आपको खुद से पे करना पड़ता है. मेरे जो 53,000 जो चार्जेस मैंने पे किया है, उसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है. एज ऑफ नाउ दे हैव कमिटेड टू मी कि कोई भी उसमें हिडन चार्जेस नहीं है. मेरे टोटल जो अलाइनर्स है वो मेरे अपर टीथ के जो टोटल अलाइनर्स है वो 31 है, और जो नीचे जो लोअर टीथ के अलाइनर्स है वो टोटल 29 है. तो और ये जो पूरा ड्यूरेशन जो मेरे को पहनने का दिया हुआ है वो है 15 months. तो आज डेट है आपका 2nd of September. मुझे अलाइनर्स 22nd of December 2023 तक पहनना है.
एज पर द चार्ट प्लान विच हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड इन माई टूथसी ऐप. सो टूथसी ऐप विल हैव द डिटेल ऑफ योर ईच अलाइनर डेट एंड टाइम लाइन. कि आपको फर्स्ट अलाइनर 15 दिनों तक पहनना है, कौन से डेट से स्टार्ट हो रहा है और कौन से डेट को वो ख़त्म हो रहा है. सो इट विल इंडिकेट यू, द टूथसी अलाइनर ऐप विल इंडिकेट यू कि आपको कब अलाइनर चेंज करना है. इस दौरान आपके 3 डेंटल क्लिनिक की विजिट फ्री में होगी. तो जो मेरा जो फर्स्ट डेंटल क्लिनिक विजिट था, फर्स्ट अलाइनर फिक्सअप करना था अगर, और मेरे दांतों के बीच में गैप क्रिएट करना था थोड़ा, और बटन्स लगाने थे. ये जो डेंटल क्लिनिक होती है आपसे पूछ के ही अपॉइंटमेंट फिक्सअप करा जाता है इसका. तो मैंने जो डेंटल क्लिनिक चूज़ करा था उसका नाम है डेंटिन डेंटल क्लिनिक, मेट्रोपॉलिटन में सिचुएटेड है. डॉक्टर का नाम था मिस प्रिया विश्वास. शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल, शी वॉज़ वेरी पोलाइट एंड शी हैज़ डन अमेजिंग वर्क. यू नो शी मेड मी काम फर्स्ट. शी आस्क मी सो मेनी क्वेश्चन whether I'm feeling comfortable or not, and she will check on your health, ke whether you are okay to go ahead with that or not. So she ensured everything to go smooth. She made me calm because I told you ki ye mera first time tha, to I was quite nervous and afraid as well ki kya hoga kya nahi hoga. Daant ke beech mein halke se side mein gap kara aur mere ko फ़र्स्ट अलाइनर में हेल्प करा कि फ़िक्सअप करने के लिए. और उन्होंने ये भी देखा कि जब तक मेरी सेकंड क्लिनिक अपॉइंटमेंट है तब तक कि मेरी अलाइनर्स इंटैक है या नहीं, तब तक कि मेरी अलाइनर्स सही से सीक्वेंस में है या नहीं. तो शी हैज़ गाइडेड मी थ्रू आउट एंड शी हैज़ बीन वेरी नाइस टू मी. आई एम वेरी थैंकफुल टू हर. लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस प्रोडक्ट एज अ टूथसी प्रोडक्ट. आई कैन टेल यू इवन आई कम फ्रॉम अ सर्विस इंडस्ट्री, टूथसी इज़ वेरी क्लाइंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट एज ऑफ नाउ. आई हैव फेल्ट इट बिकॉज इन एंड आउट देर वुड बी समवन हु विल बी यू नो कोऑर्डिनेटिंग विथ यू और यू नो चेकिंग अप विथ यू के वेदर आर यू फाइन और नॉट और थिंग्स आर इन अ प्लेस और नॉट. सो फर्स्ट रिलेशनशिप मैनेजर हैव बीन असाइंड वाइल स्कैनिंग वॉज डन. सो वंस यू गेट द टूथसी अलाइनर देर वुड बी अ सेकेंड रिलेशनशिप मैनेजर हु विल बी असाइंड टू यू टू सी योर इम्प्रूवमेंट एंड टू रिजॉल्व एनी ऑफ योर प्रॉब्लम इफ यू हैव रिगार्ड्स टू एनी क्वेश्चन फॉर द टूथसी अलाइनर. So as of now, I have received my 14 kit. So once closer to the date, I'll get my rest of the kits because I have got 29 on lower and 31 on upper. It's gonna be a long journey, but I'm very positive about it. As a company, I can see Tutsi is going to be the leader of the market in this segment. What I have observed, they have come up with the same strategy seen with the Lenskart. जिस तरह से लेंसकार्ट ने अपने मार्केट वैल्यू को बढ़ाया, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन पे काम करा, टूथसी इज ऑल्सो वर्किंग ओवर द सेम लाइन. लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द टूथसी रिजल्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. थैंक यू. गेट अप्रूव्ड बाय यू, दे विल सेंड इट टू द मैन्युफैक्चरिंग टीम एंड गोना सेंड यू अ वेरी नाइस बॉक्स विथ ऑल द डिटेल्स. आई एम गोना शो यू व्हाट आर द थिंग्स आई हैव गॉट फ्रॉम द टूथसी. इट्स अ नाइस पैकेजिंग बॉक्स. And they have given a very nice kit which you can carry it along if you are going to office, if you are a student going to college, if you are going out with your friend, with your family, you can carry it along. Even you can wear it upon your date or a special day. Dr. Priya Biswas has told me do's and don'ts and things I need to keep in mind while wearing my aligners up. So minimum you have to wear at least for 20 to 22 hours. And you should not take any kind of a food while you are wearing your aligners, and you should not drink any kind of a drink or any kind of a sugar drink or any kind of a drink except water. My initial day experience was I was having little pain, but I've seen some of the videos where it was showing okay, if you'll have cold water on your first day, on your second day, you'll feel relaxed. So what I have done, I have done the same thing. और इसके अलावा मैंने कोई भी हार्ड चीज़ नहीं खाया उस दौरान, बिकॉज आपके बटन्स लगे रहते हैं तो बटन्स निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. मेरे एक बटन्स निकल भी गए उस वजह से. तो एंड इवन इफ़ यू आर ब्रशिंग, तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपके जो बटन्स लगे हुए हैं, जो एक्सटेंशन आपने लगाए हैं बाहर से, वो निकल ना जाए. वो बटन्स आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है व्हेन यू पुट योर अलाइनर्स, तो विल हेल्प यू टू पुश योर टीथ ऑन अ राइट डायरेक्शन. तो बटन्स को लगाने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि आपके टीथ को वो राइट डायरेक्शन पे पुश करेगा जहाँ पे उसको अलाइनमेंट की जगह बनाई गई है.
सो डूज एंड डोंट्स के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे तुलसी ऐप पे, और क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, डॉक्टर्स आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ डॉक्टर से पूछ सकते हो उस वक्त जब आप क्लिनिक पे जाते हो तो। और घबराने की बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, जैसा तुलसी ने कमिट करा हुआ है, इट्स अ पेनलेस प्रोसीडर और इट्स आपको कोई भी ऐसा मेजर इशू नहीं होगा, ऐसा फील नहीं करोगे कि आप किसी ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हो या फिर कुछ बड़ा सा ऑपरेशन हो रहा है आपके साथ। सो मेरी तरह आई नो इट्स वेरी, समटाइम्स पीपल गेट वेरी पैनिक अबाउट इट बिकॉज आई नो दांत की दर्द और दांत का जो तकलीफ़ होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है, आपके पूरे सर को दर्द को पकड़ लेता है। तो या सो रीज़न बीइंग मेकिंग दिस वीडियो जस्ट एक्सप्रेसिंग माय एक्सपीरियंस विद तुलसी एंड इट्स नॉट अ पेड वीडियो, आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ, नॉट इवन अ बार्टर वीडियो, आई हैव पेड द मनी टू देम, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा हूँ ताकि आई कैन स्माइल विद कॉन्फिडेंस, आई कैन हैव अ वेरी जॉली स्माइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, वीडियो काफ़ी स्ट्रेच कर दिया है बट डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा थी बिकॉज एंड इवन आई एम वेरी एक्साइटेड यू कैन सी, तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। आई विल शेयर यू द एड्रेस ऑफ द डेंटल क्लिनिक इन केस इफ़ यू आर फ्रॉम कैलकटा, I'll recommend that clinic. It's not that far and it has a prime location as well, just behind bypass Dhawa. The clinic name is Dentin Clinic. Keep sharing good things, stay happy, stay healthy. This is Imran taking your leave until we meet again. See you in the next one. Bye bye, take care.